ट्रिपर्स आ गए हैं हम अपने शहर में, अपने स्वरूप नगर में, और इस समय हम हैं मोती झील की मेन सड़कों पे। एंड शायद आप लोग गैस नहीं कर पाओगे कि मैं इस समय जा रहा हूँ मिलेट्स मेला में। एंड अगर आपको नहीं पता हो मिलेट्स क्या होता है, तो मिलेट्स एक टाइप का ग्रेन है, मोटा अनाज है, जिसको हम बाजरा वगैरह एक्सेट्रा भी कहते हैं। तो हमारे शहर में लगा है इस समय मिलेट्स का फेस्टिवल, और तमाम तरीके के मिलेट्स यहाँ पे दिखाई जाएंगी, रखी हुई हैं। सो वहीं मैं जा रहा हूँ देखने एंड आप लोगों के कवर करने, क्योंकि ये एकमात्र मेला है ये ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का जहाँ पे ये मिलेट्स फेस्टिवल हो रहा है। आइए देखिए मेरे साथ मिलेट्स फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ। ये है हमारे शहर का एकमात्र कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA, एंड ये जो आप राइट साइड पे जो देख पा रहे हो ना, यही है मिलेट्स फेस्टिवल और यहीं पे हो रहा है। सो चलते हैं। फिलहाल तो मैं अपनी प्यारी सी स्कूटी में हूँ, तो आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड देखते हैं चलते हैं। ये देखिए मेरे राइट साइड पे लगा है मिलेट्स फेस्टिवल। अगर आप देखोगे तो इस पूरी रोड पे ऐसे मेला टाइप सा लगा हुआ है, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, लोग अपनी फैमिली छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं इन्जॉय करने के लिए और करवाने के लिए। फिलहाल मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, यहाँ से मोड़ते हैं गाड़ी को वापस। देखो भाई, बिना इंडिकेटर के नहीं मोड़ रहा, मैं इंडिकेटर के साथ मोड़ रहा हूँ। प्रॉपर हेलमेट पहन के आया हूँ। इंडिकेटर कर देते हैं बंद। देखते हैं एंट्री की, मिलेट्स फेस्टिवल की एंट्री कहाँ से हो रही है। तो एंट्री हो रही है यहाँ से, जो कि लगा ये 17 से 19 मार्च तक, जो कि आज 18 हो गई है। एंड स्कूटी खड़ी करते हैं, लेट्स गो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रिपर्स, ये है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आयोजित मिलेट्स 2023 ईट राइट मिलेट्स मेला। फिलहाल इसके अंदर जाएंगे, तो मैं थोड़ा आपको बाहर से दिखा देता हूँ। जिन जिन मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं, जिनको यहाँ पे आना है एंड विजिट करना है कि क्या होता है, तो ये 17 से 19 मार्च तक लगा हुआ है देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी चीज़ें। बाकी चलते हैं साथ में, देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे छोटे छोटे समोसे भी मिल रहे हैं गाइस। अक्सर ऐसी जगहों पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं विज़िट करने के लिए, बट आई थिंक आपको आना चाहिए, और अगर आप नहीं आते तो आपको अपने छोटे बच्चों को या उनको लाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे खाने के काउंटर्स लगे हैं, नारियल पानी, बालाजी फ्रूट केटरर्स, मुरली बताशे वाले, पूरा स्टॉल लगा है यहाँ पे पानी के बताशे। देखिए हैंड फ्री हींग का पानी और मीठा पानी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपको प्रॉपरली दिखाएगा। ये इतना बड़ा ग्राउंड है पूरा मोती झील का जो लगा है। फिलहाल अभी भीड़ कम है, एंड आई थिंक सामने स्टेज वगैरह लगा हुआ है, कुछ अपने फंक्शन वगैरह था या अभी होगा, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ भी होगा तो मैं फुल अपडेट आपको दूंगा, क्योंकि मेरा कवर करते हैं यहाँ पे और हमें क्या क्या मिलेगा। ये 130, 160, 180,
एक ही शैम्पू भी है, ये 100% केमिकल फ्री शैम्पू है, पाउडर फॉर्म पे है, सोटिंग ओवरनाइट इन वार्म वाटर, सुबह लगाए। फिलहाल तो ट्रिपर्स यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं सब केमिकल फ्री, सारी प्रॉपरली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो आपके खाने पीने से रिलेटेड हो, हेल्थ फूड कॉस्मेटिक हर चीज़ें। बाकी देखते हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्पेशल चोखा बाटी है यहाँ पे, भैया की चोखा बाटी। बाकी है ब्रजवासी चाट भंडार। कानपुर वालों, आई एम श्योर आप यहाँ पे आए हो तो आपको पता ही होगा कि कानपुर की आलू टिक्की बहुत फेमस है। एंड आई गेस जो मेरा व्लॉग कानपुर से बाहर के लोग देख रहे हैं, आपको भी बता दूँ कि कानपुर की चाट टिक्की बहुत फेमस है। आप जब भी यहाँ पे आए तो चाट टिक्की ज़रूर खाएं। यहाँ देखते हैं क्या भीड़ लगी हुई है, क्या मिल रहा है यहाँ पर। क्या प्राइस है भैया इसका? 1 किलो बाजरा 140। उसके बाद फिर इसको पीसें, इसको फिर पीसना पड़ेगा ना ले जाके। सर मिक्सी में नहीं पीस पाएगा, मतलब बाहर से। बाहर से इसका आटा था सर, लेकिन अभी वो सेल हो गया वो। अच्छा भाई, वो कितने, वो क्या प्राइस होता है इन जनरल? वो भी सर ऐसे ही पड़ेगा 140 का, 140 150 का। सेम प्राइस है? सेम प्राइस सर, बिल्कुल। आइए ये सर मिलेट इडली मिक्स, इडली मिक्स मिलेट वाला, इसमें मिलेट्स मिली है सर, चावल का प्रपोर्शन कम करके सारी मिलेट्स। मॉर्निंग में कितने बजे आते हो? हम लोग वही 12 बजे आ जाते हैं। मिलेट्स का इडली मिक्स, बाजरे का आटा मिल जाएगा सर आपको, काला नमक चावल भी मिल जाएगा सर, पूर्वांचल का बहुत फेमस चावल। फ्लैक्स सीड्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक, 50 रुपए का पैकेट है। इसका कल्टीवेशन इधर करते हो इसका सर? काले नमक का सर 24। वैसे तो बहुत ही टफ है यहाँ पे ग्रो करना उसको, बट चौबेपुर में अब होने लगा है, और इसका जो GI है वो आज पूर्वांचल का है। अच्छा, लेकिन अब हम लोगों ने अपने यहाँ ग्रो करना शुरू किया है। इसकी जब जिस सीजन में फसल होती है उस सीजन में आप आएंगे तो आपको फसलें मिलेंगी। बस फाइनली अभी हमने देखा, जब हम मिलेट्स के एक स्टॉल में गए थे वहाँ पे प्रॉपर्ली मिलेट्स वगैरह थे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें थी, इडली मिक्स हो गया, आटा हो गया। हालांकि मिलेट्स की जो सीड्स वो भी 140 रुपीज़ केजी थी, और आटा वो भी 140 रुपीज़ केजी था। सो आई डोंट नो कि क्या ज़्यादा फीजिबल पड़ेगा आप लोगों के लिए एज़ पर दी यूसेज, बट बाकी 2-3 स्टॉल्स और हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कवर करता हूँ। चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ट्रेडिशनल सुपर फूड्स ऑफ इंडिया श्री अन्ना मिलेट्स के अंडर ये आपका बाजरा सुपर क्रंची चिप्स, कॉर्न, रागी। कितने ग्राम्स का ये? 125 ग्राम, तो 100 रुपीज़ का ना? फुल, मतलब पूरा ऑर्गेनिक, नॉट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक बट हेल्दीयर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव ठीक है, हेल्दीयर ऑल्टरनेटिव। बस जैसा कि जैसा भैया ने बताया कि लाइक जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं चीज़ों को लेकिन कॉन्शियस चीज़ें खाना चाहते हैं, वो इन सब
ऑर्गेनिक की ऑल्टरनेटिव चीज़ों को आई एम श्योर दे कैन ट्राई। यहाँ पे आपको मिल जाएगा शुद्ध देसी घी गाय का 9532 जो कि आधा किलो का है 500 ml का। एंड सर से इसका प्राइस पूछ लेते हैं, सर इस आधा किलो का क्या प्राइस होगा घी का? 1500 का जी सर। फिलहाल आई थिंक ये स्टॉल्स कुछ जो स्टॉल्स हैं आज लगे नहीं हैं, आई एम श्योर ये कल लगेंगे क्योंकि आज नहीं है। बाकी एक जो ये चीज़ है यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि मिलेट्स क्या क्या होता है, भारत में विभिन्न प्रकार के मिलेट्स पाए जाते हैं, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है रागी, कूटू, जवार, बाजरा एंड सावा, जिसमें से मुझे ज़्यादा चीज़ नहीं पता है। कूटू पता है जो कि हम व्रत वगैरह में खाते हैं, जवार, बाजरा, बाजरे की रोटी साग के साथ खाते हैं शायद, वो पता है मुझे, बाकी चीज़ें इतनी नहीं पता है। बाकी लिखा है कि आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं मिलेट्स वगैरह खा के। यहाँ पे भैया बता रहे जैसा कि 5 बजे से 7 बजे तक एक प्रॉपर फंक्शन था जो कि फ़िलहाल अभी ख़त्म हो चुका है। ये थोड़ी सी डेकोरेशन है आपकी जो कि वाटर फाउंटेन्स वगैरह अच्छे लगते हैं, डेकोरेशन है। बाकी ट्रिपल सी जो फंक्शन था वो फंक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कल भर और लगा है। लेकिन बात इतनी है सिर्फ कि हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, सो अगर आप लोग कल आने का मेरे व्लॉग आने जब भी आप देखो, अगर आप कल आने का सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो प्लीज़ 5 बजे से 7 बजे के बीच ज़रूर आना क्योंकि यहाँ पे कुछ एक कल्चरल फेस्ट है, फंक्शन है, तो उसके भी लुत्फ़ उठाइएगा अलॉन्ग विद दी ऑर्गेनिक चीज़ों की जानकारी और इन चीज़ों को ट्राई करने के लिए। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ नमस्ते इंडिया के स्टॉल के आगे, कियोस्क के आगे, देखते हैं। ट्रिपल्स, नमस्ते इंडिया इज़ अ वेल नोन ब्रांड, एवरी वन नोज इट, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि हम कवर करें, या जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे लोग इन द सेंस जिनका स्टार्टअप छोटा होता है, बिजनेस छोटा होता है, जिनको एक इंट्रोडक्शन, एक वो सीढ़ी मिलने की वो देर होती कि ज़्यादा लोगों ने पहचाने, उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारी चीज़ों को जाने, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक एग्रीकल्चरल लैंड रहा है, स्टिल एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ की चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जिनको ट्राई करना चाहिए और उनके बारे में हमको और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको पता होनी चाहिए वो चीज़ें। फ़िलहाल मैं भी चलता हूँ यहाँ से घर एंड आई ट्राई कि मैं कल आपके लिए आऊँ और इसका एक सेकेंड पार्ट ज़रूर बनाऊँ जिसमें आपको और चीज़ें कवर करूँगा।